इतिहास की सबसे बड़ी जंग की आशंका के बीच महाविनाशक युद्ध की तारीख तय हो गई है। पूरी दुनिया पहले हमले से सिर्फ 13 दिन दूर है और इस हमले के ठीक एक दिन पहले यानी 9 अक्टूबर को जंग का ऐलान होगा। लेकिन होगा कैसे, इस रिपोर्ट में हम आपको इसकी तफसील से जानकारी देंगे। ये भी बताएंगे कि बैटल ग्राउंड किन किन जगहों पर होगी और शुरुआत कौन सा देश करेगा। वर्ल्ड वॉर 3 के अक्टूबर कनेक्शन पर सबसे पुख्ता रिपोर्ट देखिए। पुख्ता सबूत, सटीक खबर, तय हो चुकी है तीसरे विश्व युद्ध की तारीख। 9 अक्टूबर 2020 का दिन जंग का वक्त तय कर देगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए 3 बैटल ग्राउंड फिक्स हो चुके हैं, बस हमले की देर। ठीक 9 अक्टूबर को एक बड़ा ऐलान होगा और उसके दूसरे दिन अब तक की सबसे भयानक जंग छिड़ सकती है। इस जंग की तारीख कोई पहेली नहीं है बल्कि एक संकेत है और बैटल ग्राउंड आशंका के आधार पर आकलन नहीं बल्कि तैनात की गई फोर्स और जंगी बेड़ों की मौजूदगी से तैयार हुआ है। वर्ल्ड वॉर 3 पर सटीक खबर, बिगिनिंग इन अक्टूबर। ट्रंप के टारगेट पर ईरान, तैयार है सनकी प्लान। जंगी मुहाने पर ग्रीस और तुर्की, बैटल ग्राउंड में ट्रंप की एंट्री। बाकी है शांति के 13 दिन, फिर दिखेगा वॉर सीन। 9 अक्टूबर 2020 नोबेल प्राइज का ऐलान। ये वही तारीख है जो दुनिया में किसी एक ताकतवर इंसान को शांति का मसीहा बनाएगी और इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद तीसरे विश्व युद्ध के लिए आदेश पारित हो सकता है। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है बल्कि इस बार हालात ही ऐसे हैं जिसमें ये सब होना तय माना जा रहा है। कैसे, इसे भी देख लीजिए। नोबेल पीस प्राइज की दौड़ में 3 ताकतवर लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस दौड़ में सबसे आगे हैं। दूसरे नंबर पर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं और तीसरे नंबर पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आधुनिक हथियारों के लीडर, 3 देशों के 3 शक्तिशाली नेता इस वक्त इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए खामोश हैं जो उन्हें दुनिया में शांति का बड़ा दूत बना देगी। लेकिन युद्ध की आशंका को जानबूझकर टाला जा रहा है। जिस दिन नोबेल पीस प्राइज का ऐलान होगा वो शांति के लबादे में ढके 3 चेहरों का नकाब हट जाएगा। 9 अक्टूबर को ही विश्व युद्ध का ऐलान हो सकता है और 10 अक्टूबर को पहला हमला भी हो जाएगा, जिसका सबसे बड़ा सबूत पहले मोर्चे की तैयारी से समझिए। 10 अक्टूबर को वर्कर्स पार्टी की 75वीं सालगिरह होगी। इसी दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर हमला कर सकता है। हमले से पहले बड़ी संख्या में मिसाइल दिखाएगा, परमाणु बम और दूसरे हथियारों का प्रदर्शन करेगा, जिससे जुड़ी पुख्ता जानकारी खुद अमेरिका ने हासिल कर ली है। अमेरिकी सैटेलाइट ने किम जोंग की 10 अक्टूबर के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की तस्वीरें जुटाई हैं, जो विश्व युद्ध के आगाज का सबसे बड़ा सबूत मानी जा रही हैं। लेकिन इसका जवाब देने के लिए 9 अक्टूबर तक खामोशी दिखाई जाएगी। अब दूसरा वॉर फ्रंट देखिए। विश्व युद्ध का दूसरा और सबसे बड़ा मैदान खाड़ी है, जहां जंग की शुरुआत के लिए अब तक की सबसे बड़ी तैयारी है। ईरान को जवाब देने के लिए ट्रंप ने अपनी जंगी बेड़े ठीक उसी जगह पहुंचा दिए जहां ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर कब्जे का दावा किया था। ये जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप को फारस की खाड़ी में कब्जे में लेने का दावा किया था, लेकिन यह दावा उसके लिए न सिर्फ भारी पड़ा बल्कि वर्ल्ड वॉर का मैदान भी तैयार हो गया। अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपने कई वॉरशिप के साथ डिस्ट्रॉयर्स को मुहाने पर तैनात कर दिया है। वॉरशिप यूएसएस निमित्ज फारस की खाड़ी में तैनात है। यूएसएस प्रिंसटन भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास पहुंच गया है। अमेरिकी वॉरशिप के साथ भारी संख्या में डिस्ट्रॉयर हैं। 188 ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर ईरान के पास तैनात हो गए हैं। अमेरिकी जंगी पोत 58 और 59 भी फारस की खाड़ी में मौजूद हैं। जंग के मुहाने पर अमेरिका की तैयारी को सैनिकों की संख्या से समझिए। अमेरिका ने 1,333 कोस्ट गार्ड्स खाड़ी में भेज दिए हैं, जो समुद्री हमले से लेकर हवाई हमले तक में माहिर हैं। इस खुलासे के बाद ईरान की हालत खराब होती जा रही है, इसलिए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके ईरान अपनी तैयारी दिखा रहा है, जिसमें अमेरिकी वॉरशिप, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन को ईरान अपने निशाने पर दिखा रहा है, जो कि तैयारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब तीसरा मोर्चा देखिए।
तुर्की इस वक्त न सिर्फ अपने समुद्री पड़ोसी ग्रीस को जंग के लिए उकसा रहा है, बल्कि अमेरिका को भी सीधा चैलेंज कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका इस मोर्चे पर भी एंट्री करने की तैयारी में है। तुर्की ने नाटो का सदस्य होने का फायदा उठाया है। अमेरिका के एटम बम तुर्की ने हासिल कर लिए हैं। इन्हीं बमों के दम पर तुर्की ने ग्रीस को ललकारा है। ग्रीस की मदद के लिए फ्रांस और ईयू सामने आए हैं, और अब अमेरिका भी ग्रीस की मदद के लिए तैयार हो गया है। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पियो जल्द ही ग्रीस का दौरा करने वाले हैं। यहां वो सबसे पहले उस नेवल बेस पर पहुंचेंगे जहां अमेरिका तुर्की के खिलाफ अपनी सेना उतारेगा। यानी नाटो से अलग अमेरिका की दोस्ती का जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, वो वर्ल्ड वॉर के मोर्चे पर ट्रंप का सबसे बड़ा कदम हो सकता है, और ये सब कुछ अक्टूबर में ही होने वाला है। इसलिए जंग के ऐलान की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है। इसे पूरी दुनिया ने मान भी लिया है। मुमकिन है 10 अक्टूबर से विश्व रण की शुरुआत हो जाए। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी